Hi friends, Namaste India. आज welcome back to my channel. आज मैं पनीर मटर पनीर बनाने वाली हूँ without any single drop. So ये video, ये जो सब्जी, ये जो करी है, ये श्वेता शर्मा ने request किया है कि without oil हमारे लिए जो non-veg नहीं खाते उन लोग के लिए भी थोड़ा सा बनाया करो. तो मैंने सोचा आज श्वेता शर्मा का रिक्वेस्ट को पूरा करें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी मैंने आधा काट के ओनियन रखा है और जिंजर लहसुन थोड़ा सा और दो टमाटर और दो हरी मिर्च एंड ये दही है. इससे मैं एक चम्मच लूँगी जब मैं टमाटर प्यूरी बनाते समय डालूँगी. और ये है मटर. स्टिक में सूखा सूखा रोस्ट कर दूंगी और बाद में मैं सब्जी में डालूंगी. सो लेट्स ग्राइंड. सारा चीज़ें ग्राइंड हो गया है. ये इसमें जिंजर अदरक और टमाटर, एक चम्मच दही और सब कुछ ग्राइंड हो गया है इसमें. लेट्स पुट ऑन द फ्लेम फॉर कुकिंग मटर पनीर. देयर इज नो ऑयल. मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाली हूँ. ये फ्राई पैन गर्म होते ही मैं साबुत जीरा डालूंगी थोड़ा सा, उसको रोस्ट कर दूंगी और उसको थोड़ा सा क्रश करके इसी से ही मसाला हो जाएगा. सो आगे जाके मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने वाली नहीं हूँ. इसको गर्म होते ही मैं जीरा डाल. फ्राई पैन गर्म हो चुका है. थोड़ा सा जीरा इसको भूनना है विदाउट एनी तेल. जीरा जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही क्रश करूँगी इसी के ही अंदर. और इसके ऊपर अभी डायरेक्ट ग्रेवी डाल दूंगी जो प्यूरी मैंने बनाया है. मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कलर के लिए थोड़ा सा मिर्ची डालती हूँ और इसको चलाना है अच्छे से. फॉर टू मिनट हो चुका है. लेट्स चेक. इट्स कुकिंग वेरी नाइसली एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट दिस मटर एंड लेट्स कुक फॉर अनदर 5 मिनट. मटर, लेट द मटर कुक. मेरे खिड़की में बहुत सारे कबूतर हैं वो हमेशा आवाज़ करते रहते हैं. सो दिस इज़ द लुक. ये थोड़ी देर और पकाएंगे 5 मिनट्स. इसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी डाल के
पनीर डाल देंगे इसके बाद। ये मैंने रोस्ट कर दिए हैं, हमने रोस्ट कर दिए हैं। ये तवा नॉन स्टिक है तो बिना ऑयल का भी अच्छे से रोस्ट हो रहा है। ये थोड़ी देर के लिए रोस्ट करने देते हैं। ये तो पहले से मैंने लगा दिया था तो रोस्ट अच्छे से हो गया है। लेट्स चेक द कड़ी। या ये जो वेपर निकल रहा है इसकी वजह से ना कैमरा में थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा, पर रियल में तो कलर बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ कुछ ऑयल खाना बनाती हूँ तो जल्दी पकता है, और ये ऐसे स्टीम करके बना रही हूँ बिना ऑयल का तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अपने हिसाब से ही मैंने रेसिपी तो बता दिया, पर अपने हिसाब से कहाँ तक कितनी देर पकाना है वो तो देख के ही अंदाज़ा लगाना होता है। ये मिनट 5 मिनट 6 मिनट इतना नहीं होता ऐसे, ये तो आसान होने के लिए बताया है ऐसे ही। थोड़ा सा ग्रेवी डालते हैं, कम ही रखेंगे ग्रेवी, और थोड़ा सा और ग्रेवी डालेंगे। इसको थोड़ी देर और उबालेंगे तो ज़्यादा सूख जाएगा, इसीलिए पानी थोड़ा देर के जरूर ट्राई करके बना के खा लीजिएगा। और मैंने रोस्टेड पनीर को इस तरीके से काट दिया है, अभी मैं डाल दूँ सारा। अभी थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में करके गैस को 5 मिनट उबाल दूंगी। इसके बाद मैं धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। 5 मिनट हो चुका है, लेट्स चेक। वाह 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 वाह, लुक से तो रेस्टोरेंट वाला मटर पनीर से कम नहीं लग रहा है, टेस्ट खा के पता लग जाएगा, और आई एम श्योर टेस्ट भी अच्छा ही होगा। सो इट्स टाइम टू गार्निश दी कोरिएंडर लीव्स। वाह, सी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सर्व टू द बाउल, लेट्स टॉप द लाइट गैस। फ्रेंड्स, हियर इज द मटर पनीर करी विदाउट सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। So this is it for today. Don't forget to subscribe, like, share to my channel, and please try this curry. Thank you for watching. Bye bye.